Good morning. My name is Manjot Singh and I am working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. Today I am going to discuss about power amplifiers, and in the last video we discussed about multi-stage amplifiers. So we firstly discuss some multi-stage amplifiers or view of the last lecture. So start with that. And in the last lecture we started with multi-stage amplifiers. There are firstly what are the multi-stage amplifier? What multi-stage amplifier होता है जिसमें हम एक stage का amplifier जो है दूसरे stage के साथ लगाते हैं, एक की output दूसरे की input बन जाती है, ठीक है? Just as it is. यहाँ पे हमारे पास दो stage amplifier था, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बना दिया और साथ में एक कपलिंग डिवाइस की वजह के थ्रू ये आउटपुट है वो ट्रांसफर हुई। फिर वी हैव अ ओवरऑल गेन, दोनों का गेन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसका काम क्या था, क्यों हम कपल कर रहे थे? ताकि हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ सके। कई बार क्या होता है कि एक एम्पलीफायर जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे पाता, तो उसके लिए हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर लगाते हैं ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है जितनी एम्पलीफाइड आउटपुट चाहिए वो हमें मिल जाए। दूसरा क्या था कि इसकी कौन कौन सी कपलिंग टाइप्स हैं? हम इसमें मोस्टली ट्रांसफार्मर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप्स की, आरसी कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग एंड ट्रांसफार्मर कपलिंग। और इसमें से हम ज्यादातर जो कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं वह कॉमन अमीटर एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम यूज करते हैं। ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था कि ये जो हमारा सी आई एन है ये इनपुट प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट स्टेज को, जो सी सी है वो सेकेंड स्टेज को इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो इनपुट कहाँ से ले रहा है? फर्स्ट स्टेज की आउटपुट से जो है वो इनपुट ले रहा है और सेकेंड स्टेज की आउट जो इनपुट है उसको दे रहा है। यहाँ से जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट आ रहा है वो इनपुट बन रहा है सेकंड स्टेज का। तो दिस वे दिस सीसी कपलिंग कैपेसिटर एक्ट्स एज ए कपलिंग डिवाइस। और ये आ रहा है लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारी आउटपुट है और लोड इम्पीडेंस है, और आर वन आर टू जो हमारे वो बाइसिंग के लिए है और आर स्टेबिलाईजेशन के लिए है इसको ऑपरेटिंग पॉइंट्स के लिए। और ये हमारा एसी सिग्नल था और लास्ट में हम आउटपुट ले रहे हैं सेकंड स्टेज से। अगर हमारे पास थर्ड स्टेज होती तो अगेन वी यूज कपलिंग कैपेसिटर फॉर द इनपुट फॉर थर्ड स्टेज। ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। इसमें क्या था हमारे पास कि जो हायर और लोअर फ्रीक्वेंसीज है कहाँ तक 50 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जो फ्रिक्वेंसी वहां पे हमारा गेन कम था, लेकिन जो इस दोनों वैल्यूज के बीच में था वहां पे हमारा स्टेबल गेन, ना तो ज्यादा हाई ना लो बट स्टेबल और कांस्टेंट गेन था। और हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं? हम इसका यूज एम्पलीफायर्स में करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर्स में करते हैं और ऑडियो फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी इम्पीडेंस मैचिंग की, जिसको ओवरकम किया हमारे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर ने। इसमें क्या था, हमने आरसी को रिमूव कर दिया, ना हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है ना हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर है, हमने क्या लगा दिया ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लुक एट दिस, दिस बी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी। तो जो हमारी आउटपुट है वो पी पे आ रही है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू वो एस से हो रही है और हमारी जो कपलिंग है यहाँ से पी से एस तक, और उसके बाद जो सेकंड स्टेज का ट्रांजिस्टर है उस पर हमारी आउटपुट जो है फर्स्ट की वो इनपुट बनके जा रही है थ्रू दिस कपलिंग ट्रांसफार्मर। अब देख लीजिए एक बार दोबारा से, आर वन आर टू सेम है, आर ई सी का सेम फंक्शन है, बट जो हमारा आर एल और सी सी था जिनके कपलिंग कैपेसिटर था हमने उन दोनों को रिमूव करके ट्रांसफार्मर लगा दिया।
ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें फ्रिक्वेंसी गेन क्या था कि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम के लिए ये स्टेबल होता है, अदरवाइज इट वेरीज कंटिन्यूसली, इट वेरीज विद द चेंज इन फ्रिक्वेंसीज। लो फ्रिक्वेंसी पे लो गेन है, हायर फ्रिक्वेंसी पे गेन हायर है, बट वो वेरी होता है फ्रिक्वेंसी के साथ ही। लेकिन जो इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम थी उसको ये ओवरकम करता है, हमें जो इम्पीडेंस मैचिंग करानी है वो हम इसके साथ करवा सकते हैं। अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हम इसका पावर इस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमें मैक्सिमम पावर हम इसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्या था हमारे पास, हमने इसके बाद पढ़ा था कि इन दोनों की वजह से हमारा जो है वो सर्किट ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर हमने उसको कम करना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कपलिंग यूज करते हैं। इसमें ना तो हम ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं और ना ही कैपेसिटर्स का कपलिंग के लिए। इसमें क्या है हमारे पास, दिस इज द डायग्राम ऑफ थ्री स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, थ्री स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब इसमें तीन स्टेजेस हैं, T1, T2, T3, दीज आर थ्री ट्रांजिस्टर्स। सो हियर वी अप्लाई द इनपुट सिग्नल विदाउट एनी कैपेसिटर इनपुट, इट गोज टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 1। फ्रॉम हियर द आउट वी गेट द आउटपुट एट RC एंड इट गोज टू द ट्रांजिस्टर 2 एंड इट कनेक्ट्स द आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 कनेक्ट्स विद इनपुट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 एट द बेस टर्मिनल। तो हमने क्या किया, जो हमारा आउटपुट था वो हमने कनेक्ट कर दिया ट्रांजिस्टर 2 के बेस के साथ। इसी तरीके से जो ट्रांजिस्टर 2 का आउटपुट है वो हमने कनेक्ट कर दिया ट्रांजिस्टर 3 के बेस के साथ, यहाँ पे इनपुट 1 के चला गया। और ऐसे ही ये चलता रहेगा और लास्ट में हम लास्ट स्टेज में आउटपुट देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने वाली थी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर 1 और 3 है वो दोनों NPN है, जो दोनों सिमिलर है, ताकि इसका गेन कैंसिल आउट ना हो तो हम जो फर्स्ट स्टेज के बाद दूसरा ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं वो हम PNP कर रहे हैं। तो हमारा अगर पहला NPN है तो दूसरा PNP होगा और उसके बाद फिर NPN फिर PNP, तो ऐसे ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए काम करते हैं ताकि हमें गेन मैक्सिमम मिल सके। और इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हम इसका इस्तेमाल लोअर फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में करते हैं और लोअर करंट एम्पलीफिकेशन में भी करते हैं। सो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था RC कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड और ट्रांसफार्मर कपल्ड। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं जो है हमारा पावर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर के डिफरेंस के, कि उसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन वोल्टेज एम्पलीफायर द एम्पलीट्यूड ऑफ AC सिग्नल इज स्मॉल, कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है AC सिग्नल का वो स्मॉल होता है, लेकिन पावर एम्पलीफायर में एम्पलीट्यूड बड़ा होता है। दूसरा क्या है हमारे पास, द कलेक्टर करंट इज लो इन वोल्टेज एम्पलीफायर, जो कलेक्टर करंट है वो हमारा बहुत लो होता है, जो कि 1 mA। लेकिन अगर पावर एम्पलीफायर की बात करें तो वहां पे कलेक्टर करंट हमारा काफी ग्रेटर होता है, काफी हायर होता है वोल्टेज एम्पलीफायर से, सच एज 100 mA। देन थर्ड डिफरेंस क्या है, द ट्रांजिस्टर यूज्ड कैन डिसिपेट लेस हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। यहाँ पे हीट की बात हो रही है, हीट डिसिपेशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो इसमें जो वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में हमारी हीट डिसिपेशन है वो बहुत कम होती है, लेकिन इन द केस ऑफ पावर एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर कैन डिसिपेट मोर हीट प्रोड्यूस्ड एज कम्पेयर टू वोल्टेज एम्पलीफायर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, कि जब ये काम करता है तो ये ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है, जब प्रोड्यूस करता है देन वोल्टेज एम्पलीफायर। फोर्थ डिफरेंस है हमारे पास कि हम इसमें वोल्टेज एम्पलीफायर में कौन सी यूज करते हैं, RC कपलर। अगर हम इसमें RC यूज करते हैं तो पावर एम्पलीफायर में क्या होगा, हम ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करेंगे, जो कि हमारी इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व या सॉर्ट आउट करती है।
देन वी हैव अ ट्रांजिस्टर हैज लो थिन बेस टू हैंडल लो करंट. जो ट्रांजिस्टर है उसका क्या होता है कि बेस थिन होता है जो लो करंट को हैंडल कर सकता है. बट इसमें क्या होता है कि जो बेस है वो थिक होता है और वो हायर द लार्ज करंट पे भी काम करता है. नेक्स्ट वी हैव इन वोल्टेज एम्पलीफायर द इसी पावर आउटपुट इज लो. जो इसी पावर आउटपुट है वो काफी कम होती है लेकिन जो पावर एम्पलीफायर है उसमें इसी पावर आउटपुट काफी हाई होती है. देन वी हैव फिजिकल साइज. अब देखिए फिजिकल साइज इसमें कम होगा जो वोल्टेज एम्पलीफायर है क्योंकि इसमें आरसी हमने यूज कर रहे हैं. आरसी कपलिंग रजिस्टर और कैपेसिटर जिसका साइज कम होता है. लेकिन अगर ट्रांसफार्मर से कंपेयर करेंगे तो ट्रांसफार्मर हमेशा ही बल्क साइज में मिलता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द सर्किट. द फिजिकल साइज ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड इज यूजुअली स्मॉल एंड इज known as low or medium power transistor. इसका साइज कम है इसलिए इसे low और medium power transistor भी बोलते हैं. लेकिन अगर हम power amplifier की बात करें, the physical size of transistor used is usually large and is known as power transistor. कि जो हमारा physical size है transistor का वो large रहता है transformer की वजह से. लास्ट डिफरेंस क्या है इन वोल्टेज एम्पलीफायर द कलेक्टर लोड हैज हाई रेजिस्टेंस टिपिकली 4 किलो ओम टू 100 किलो ओम. वोल्टेज एम्पलीफायर में जो कलेक्टर लोड है उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है 4 किलो ओम टू 10 किलो ओम. इन पावर एम्पलीफायर द कलेक्टर लोड हैज लोअर रेजिस्टेंस टिपिकली 5 ओम टू 20. दूसरा हम एक लास्ट में एक और भी बोल सकते हैं. In voltage amplifier, there will be a problem of impedance matching. But in power amplifier, this impedance matching problem can be overcome by the using of transformer coupling. तो अभी इसमें क्या है अगर हम मोटा मोटा देखें तो एक तो RC coupling का use होता है voltage amplifier में, उसकी वजह से इसका size कम है और हम इसको जो इसका लोअर करंट है कलेक्टर करंट लो है. लेकिन अगर पावर एम्पलीफायर की बात करें तो उसमें कलेक्टर करंट ज्यादा है, ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है, साइज बल्कि है, साइज बड़ा है और ये लार्ज करंट को हैंडल कर सकता है लेकिन वोल्टेज एम्पलीफायर में ये नहीं हो रहा. व्हाट इज पावर एम्पलीफायर. तो अब डिस्कस करते हैं पावर एम्पलीफायर. A power amplifier is an electronic amplifier designed to increase the magnitude of power of a given input signal. जो power amplifier है वो electronic amplifier है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम power का magnitude बढ़ाने में. Magnitude मतलब उसका जो amplitude है उसको बढ़ा करते हैं. The power of input signal is increased to level high enough to drive loads of output devices like speakers, headphones and RF transmitters. Mostly क्या होता है कि जब हम power amplifier का use करते हैं तो हम कहाँ पे लगाते हैं, हम लगाते हैं जहाँ पे हमने output लेनी होती है. तो output कहाँ पे आती है, speakers में, headphones में या RF transmitters में. तो before we are getting the output, we use power amplifiers to amplify the signal. Here you can see we have a one circuit or block diagram. The microphone catches voice signal. Microphone जो है वो आवाज को कैच करता है, इसको क्या करता है electrical signal में चेंज करता है. Then we have two stages of voltage amplifier. जो voltage amplifier है वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बूस्ट करता रहता है. दो स्टेजेस जितनी भी स्टेजेस हमारी हैं उसको बूस्ट करेगा. देन वी हैव अ पावर एम्पलीफायर व्हिच विल मैग्नीट्यूड द व्हिच विल चेंज और एम्पलीफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर. जो उसकी आउटपुट है उसकी आवाज आने वाली है उसको वो पावर एम्पलीफाई करेगा और हमें लाउड स्पीकर के थ्रू ज्यादा आवाज सुनाई देती है. हियर यू सी
आफ्टर द ऑडियो सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया, इट हैज सेवरल वोल्टेज एम्पलीफिकेशन टैम, दीज टू आर द वोल्टेज एम्पलीफायर्स, यहाँ पे हमारी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हो रही है, आफ्टर विच द पावर एम्पलीफिकेशन ऑफ द एम्पलीफाइड सिग्नल इज डन जस्ट बिफोर द लाउड स्पीकर स्टेज, यहाँ पे माइक्रोफोन ने इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दिया, ये दोनों ने वोल्टेज एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर दी, और लास्ट में बिफोर आउट वी आर गेटिंग द आउटपुट वी आर यूजिंग पावर एम्पलीफायर टू मैग्निफाई एम्पलीफाई द पावर ऑफ द सिग्नल, व्हाइल द वोल्टेज एम्पलीफायर रेजेस द वोल्टेज लेवल, जो वोल्टेज एम्पलीफायर उसका यूज किया है वोल्टेज को एम्पलीफाई करना, पावर एम्पलीफायर रेजेस द पावर लेवल ऑफ द सिग्नल, besides raising the power level it can also be said that power amplifier is a device which converts dc power to ac power, ek dusra kaam kya karta hai ki jo power level hai usko raise karta hai aur usse kya hota hai it converts dc power to ac power aur uska action jo hai wo control bhi karta hai. DC power is distributed according to the relation. DC power किसके किसकी किसको हम देखते हैं relation क्या है? AC power output plus losses. जो हमने input provide की उसके बाद हमें output क्या मिल रही है? वो हमारी DC power input है. Then we have a power transistors. A transistor that is manufactured to suit the purpose of power amplification is called as power transistor. वो ट्रांजिस्टर जो पावर एम्पलीफिकेशन के रूप में हम यूज कर पाए उसे बोलते हैं पावर ट्रांजिस्टर. ये दूसरों से अलग होता है. कैसे अलग होता है? इट्स लार्जर इन साइज, इसका साइज बड़ा है और ये लार्ज पावर्स को हैंडल कर सकता है. सेकंड, कलेक्टर रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मेड लार्ज एंड हीट सिंक इज प्लेस्ड एट द कलेक्टर बेस जंक्शन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द हीट जनरेटर. इसमें हीटिंग ज्यादा होती है क्योंकि ये पावर एम्पलीफायर है तो इसमें हीटिंग ज्यादा होती है. उसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट कम करने के लिए हम हीट सिंक का यूज करते हैं एट द कलेक्टर बेस जंक्शन. देन वी हैव अ एमिटर एंड बेस रीजन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर हैवली डोप्ड. लास्टली ड्यू टू द लो इनपुट रेजिस्टेंस इट रिक्वायर्स लो इनपुट पावर. इसको लो इनपुट पावर चाहिए क्योंकि इसका जो लो इनपुट रेजिस्टेंस है. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स बट मेनली वी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री एम्पलीफायर्स. फर्स्ट वन इज ऑडियो पावर एम्पलीफायर. दिस टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ वीकर ऑडियो सिग्नल. तो जो वीक सिग्नल है उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर है उसको एम्पलीफाई करने में हम यूज करते हैं. देन द एम्पलीफायर्स यूज्ड इन स्पीकर ड्राइविंग सर्किटरीज टेलीविजन्स मोबाइल फोन्स कम अंडर दिस कैटेगरी. तो नॉर्मल जो हम आवाज के लिए यूज करते हैं टेलीविजन्स में सर्किट यूज करें चाहे मोबाइल फोन्स में, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं. The output of audio power amplifier ranges from few milliwatts to thousands of watts. तो अगर हम इसका ज्यादा आवाज को ज्यादा तेज करना है तो milliwatt से कई हजार वॉट तक इसको कर सकते हैं. Like a home theater systems. Second categories में आती है radio frequency power amplifiers. तो अभी हमने कौन सा पढ़ा है? Audio power amplifier. अब दूसरा कौन सा है? रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर. दीज आर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटर वेव्स. जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो हमें उसे मॉड्यूलेशन करना पड़ता है. तो मॉड्यूलेशन के लिए जो सिग्नल यूज होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव्स. और ये पावर एम्पलीफायर रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर के थ्रू ही मॉड्यूलेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि हमारा जो सिग्नल है वो ज्यादा दूरी तक ज्यादा ज्यादा ट्रेवल कर पाए. कैरियर प्रोवाइड करते हैं ना, तो कैरियर क्या है? तो कैरियर मॉड्यूलेशन सिग्नल के साथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ मिक्स करके
मॉड्यूलेशन बनाता है और वो इसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं डीसी पावर एम्पलीफायर्स. डीसी पावर एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम व्हिच नीड हायर पावर सिग्नल टू ड्राइव मोटर्स और एक्चुएटर्स. डीसी पावर एम्पलीफायर क्या है, वो पावर को एम्पलीफाई करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो हम मोटर्स और एक्चुएटर्स को स्टार्ट करने में यूज करते हैं. Again, we have power amplifier classes according to the function or mode of operation. There we have four classes. Class A power amplifier, class B power amplifier, class AB power amplifier, and lastly, class C power amplifier. पहले इनसे इनको पढ़ने से पहले हम कुछ terms का इस्तेमाल देख ले जिसकी वजह से हम क्लासिफिकेशन चूज करते हैं कि हमें कौन सी चाहिए, कौन कौन से मेन चीजें हैं, कौन सी थिंग्स हैं जो हमारी जो ट्रांजिस्टर के पावर एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट उसको चेंज करती है. सबसे पहले आती है कलेक्टर एफिशिएंसी. कलेक्टर एफिशिएंसी कन्वर्ट्स डीसी पावर टू एसी पावर. एक एम्पलीफायर की कैपेसिटी क्या है, कितनी डीसी पावर को वो एसी में कन्वर्ट कर सकता है. व्हेन डीसी सप्लाई इज गिवन टू द बैटरी बट नो एसी सिग्नल इनपुट इज गिवन द कलेक्टर आउटपुट एट सच अ कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड एज कलेक्टर एफिशिएंसी. कहता है कि जब डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं विदाउट एसी और कलेक्टर की आउटपुट कितनी आती है, वो कलेक्टर एफिशिएंसी. दैट इज अ फार्मूला. Average AC power output divided by average DC power input transistor. तो हमने क्या किया, DC जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट का इनपुट पे और AC हम ट्रांजिस्टर की आउटपुट पे ले रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो भी चेंजेस हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी. फॉर एग्जाम्पल इफ द बैटरी सप्लाई इज 15 वॉट एंड AC आउटपुट इज 3 वॉट the transistor efficiency will be 20%. The main aim of power amplifier is to obtain maximum collector efficiency. Hence, the higher the value of collector efficiency, the efficient the amplifier will be. Jitni zyada collector efficiency, utna hi wo zyada efficient amplifier hoga. Second main cheez aati hai isme power dissipation capability or capacity. जब भी अभी हमने पढ़ा कि पावर जो ट्रांजिस्टर हैं पावर एम्पलीफायर्स हैं वो हीट होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा वोल्टेज या लार्जेस्ट सिग्नल्स को हैंडल कर सकते हैं. एवरी ट्रांजिस्टर गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन एज अ पावर ट्रांजिस्टर हैंडल्स लार्ज करंट इट्स गेट्स मोर हीटेड. वही बात है कि जो पावर ट्रांजिस्टर है वो लार्ज करंट को हैंडल करते हैं इसलिए वो ज़्यादा गर्म होते हैं. At this heat increases the temperature of transistor which alters the operating point of the transistor. इसी हीट की वजह से जो उसकी बायसिंग है वो चेंज हो जाती है, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाता है. तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट सिंक जहाँ हीट उसकी निकालनी पड़ती है. किसी भी तरीके से हम उसकी हीट डिसिपेट करते हैं. Such a capacity is called power dissipation capability. इसको बोलते हैं power dissipation capability. और हम इसकी definition क्या देखते हैं? It can be defined as the ability of a power transistor to dissipate the heat developed in it. Metal cases called heat sinks are used in order to dissipate the heat produced in power transistor. हम heat sink लगाते हैं ताकि इसकी power जो इसकी heat है वो हम remove कर पाएं. नेक्स्ट वी हैव डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, चेंज इन शेप. इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ आउटपुट शेप फ्रॉम इनपुट वेव शेप ऑफ द एम्पलीफायर. जो हमने सिग्नल प्रोवाइड किया एट द इनपुट वो आउटपुट पे कैसा दिखता है, कितनी उसकी जो है सिग्नल में डिस्टॉर्शन है या शेप में चेंज है उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन. द एड एम्पलीफायर An amplifier that has lesser distortion produces better output, hence considered efficient.
डिस्टॉर्शन इज अ टाइप ऑफ नॉइज। जितनी कम डिस्टॉर्शन उतना बेटर आउटपुट और उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। अब बात करते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर की। इन दिस क्लास ऑफ एम्पलीफायर्स द एंटायर इनपुट वेवफॉर्म इज यूज्ड इन द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। अ सिंगल ट्रांजिस्टर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ्स ऑफ द वेवफॉर्म। This makes their design simple and makes class A amplifier most commonly used type of power amplifier. कि जो हमारा class A power amplifier है, हम उसमें एक ही transistor का use करते हैं, चाहे वो positive half की बात करें, चाहे वो negative half की बात करें। दूसरा, इसकी जो input waveform है, हम उसमें पूरी amplification उसकी होती है। Thirdly क्या है? कि ये simple इसका design है और ये mostly use होता है power amplifier में। This is the diagram of class A power amplifier. Here we are giving the input waveform and getting the output same waveform, but with amplified magnitude. Here we have low amplification. Here we have higher amplitude. So this shows that our signal is amplified. VCC is and ground. In this case of amplifier, the active element कौन सा? Transistor is used all the time even if there is no input signal. कहता है कि इस केस में क्या है कि अगर इनपुट नहीं है तब भी जो हमारा ट्रांजिस्टर वो काम में लगा रहता है। And this generates lot of heat. इसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। Efficiency of class amplifier 25% in normal configuration and 15% transformer coupled configuration. अगर हम इसको normal में use करते हैं तो 25% इसकी जो है वो output है efficiency और 50% है अगर हम transformer का use कर रहे हैं। The conduction angle of for class A amplifier is 360 degree. जो इसका angle है class A amplifier का वो 360 डिग्री है। 360 का मतलब जो हमने जैसा सिग्नल दिया वैसा ही आउटपुट पे आता है, उसमें कोई भी जो एंगल चेंज नहीं होता, ना ही उसमें फेज चेंज होता है, वो सेम सिग्नल आउटपुट पे आता है एज इट इज। इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म, नो चेंज इन फेज। बट थिंग इज दैट हियर signal is not amplified, low weak signal, but at the output we get a amplified output with change in amplitude, which shows or indicates that this signal is amplified. So the signal distortion levels are very less, allowing better higher frequency performance. Distortion isme kam hai और जिसकी वजह से इसमें हायर फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस हम अचीव कर सकते हैं। अनदर थिंग इन द केस ऑफ क्लास पावर एम्पलीफायर, हियर यू सी एसी लोड लाइन Q1, Q2 एंड Q, दीज आर द ऑपरेटिंग पॉइंट्स, बट Q इज आवर ऑपरेटिंग पॉइंट which stabilizes at the center of the AC load line. हमने इसको bias कर रखा है at the center of AC load line. तो उसकी वजह से क्या है कि हम पूरा signal इसको दे पाते हैं और पूरा signal हमारी output पे आता है। This is our input signal and we are getting the output signal here. AC load line और हमारा operating point, Q is our operating point, which is biased at the center of AC load line. These are the advantages and disadvantages of class A amplifier. Firstly, advantages of class A amplifier. First, the current flows for complete input sector. इसमें क्या है कि हमारा जो input cycle है वो complete है, जिस पे हमारी output आएगी। कोई भी इसमें कांट-शांट नहीं है, पूरा हम सिग्नल इनपुट पे देते हैं और पूरा ही हमें आउटपुट पे आएगा।
दूसरा इट कैन एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल्स, इसका मतलब ये वीक सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर सकता है। आउटपुट इज सेम एज इनपुट, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन फेज, नो डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। डिसएडवांटेज क्या है, इट विल वर्क और लो पावर आउटपुट, हम इससे ज्यादा आउटपुट बड़े नहीं ले सकते, ये लो पावर आउटपुट ही प्रोड्यूस करते हैं। देन लो कलेक्टर एफिशिएंसी, जैसा कि हमने देखा कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 25% के अराउंड है, जहाँ 50% अगर हम ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करते हैं। सो मेन प्रॉब्लम इज विद कलेक्टर एफिशिएंसी, इट हैज लो कलेक्टर एफिशिएंसी। देन वी हैव अ क्लास बी एम्पलीफायर्स। अब जो क्लास है पावर एम्पलीफायर की प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करने के लिए हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम थी इसकी, एक तो एफिशिएंसी की, दूसरा फिटिंग प्रॉब्लम की। क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स आर डिजाइंड टू रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड हीटिंग प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन क्लास ए एम्पलीफायर। कलेक्टर एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, दूसरा हीट सिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन दोनों को ओवरकम करने के लिए हम क्लास बी एम्पलीफायर का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक और है कि हम इसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर नहीं यूज करते, दो यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूज ऑफ सिंगल ट्रांजिस्टर टू एम्पलीफायर द एंटायर वेवफॉर्म, दिस क्लास ऑफ एम्पलीफायर यूज टू कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक पीएनपी होगा तो दूसरा एनपीएन होगा। वन ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज पॉजिटिव हाफ ऑफ द वेवफॉर्म एंड अदर एम्पलीफाइज द नेगेटिव हाफ ऑफ द वेवफॉर्म। सो ईच एक्टिव डिवाइस कंडक्ट्स फॉर वन हाफ ऑफ द वेवफॉर्म एंड टू ऑफ देम व्हेन कंबाइंड एम्पलीफाई द एंटायर सिग्नल। उस केस में हमने पूरा सिग्नल दिया और पूरी ही आउटपुट आती है। लेकिन इस केस में क्या है कि फॉर द पॉजिटिव हाफ वन ट्रांजिस्टर विल एक्ट, फॉर द नेगेटिव हाफ द अदर ट्रांजिस्टर विल एक्ट एंड वी गेट द टू आउटपुट्स व्हिच विल बी कंबाइंड एंड वी गेट द फाइनल आउटपुट, फाइनल कंबाइंड एम्पलीफाइड आउटपुट। सो हियर क्लास बी एम्पलीफायर लुक्स लाइक this diagram. Here we are applying the input at the base of both the transistors, but for the positive half there will be only one transistor will work, for the other half other transformer or other transistor will work. One will stop, other will start, other will stop, first one will be stop. स्टार्ट और स्टॉप ये चलता रहेगा दोनों के बीच में। दिस इज इनपुट सिग्नल फॉर द पॉजिटिव हाफ, दिस ट्रांजिस्टर विल वर्क, फॉर नेगेटिव हाफ दिस ट्रांजिस्टर विल वर्क। दिस इज एनपीएन, दिस इज पीएनपी। ये हमारे पास पॉजिटिव एम्पलीफाइड सिग्नल है, इसका जो मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड है वो कम है, लेकिन इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इन द सेम वे नेगेटिव हाफ में इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। सो वी हैव वन एनपीएन, अदर वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड वी गेट द फाइनल आउटपुट हियर, एम्पलीफाइड आउटपुट। दिस इज द क्लास बी ऑपरेशन। इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे है, एसी लोड लाइन के एंड पॉइंट पे। दिस इज आवर ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट लाइज एट द बॉटम ऑफ एसी लोड लाइन, दैट्स व्हाई आवर आउटपुट विल बी इन हाफ ओनली। एट वन टाइम वी गेट वन हाफ, एट द अदर फॉर द अदर। That's why we use two transistors. So class B amplifier का operation क्या है,
When the signal is applied, the circuit is forward bias for positive half cycle of the input, hence the collector current flows. कहता है कि जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हमारा सर्किट जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एंड करेक्टर करंट फ्लोज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ द सर्किट इज रिवर्स बायस एंड कलेक्टर करंट विल बी एब्सेंट ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज एम्पलीफाइड एट द आउटपुट. जब पॉजिटिव सिग्नल आता है तो वो वर्क करता है, जब नेगेटिव आता है तो वो ऑफ हो जाता है. दैट्स व्हाई वी ओनली गेट पॉजिटिव हाफ साइकिल एम्पलीफाइड सिग्नल. वाइस वर्सा फॉर द नेगेटिव हाफ. एज द नेगेटिव हाफ साइकिल इज कंप्लीटली एब्सेंट द सिग्नल डिस्टॉर्शन विल बी हाई. आल्सो व्हेन द अप्लाइड सिग्नल इंक्रीजेस द पावर डिसिपेशन विल बी मोर बट व्हेन कंपेयर्ड टू क्लास एम्पलीफायर द आउटपुट एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड. एक तो इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हमारी जो कलेक्टर एफिशिएंसी थी, इसमें कलेक्टर एफिशिएंसी ज्यादा है बट देयर इज अ मोर पावर डिसिपेशन. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस एंड अचीव लो डिस्टॉर्शन हाई एफिशिएंसी एंड हाई पावर आउटपुट द पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन क्लास बी एम्पलीफायर. पुश पुल एम्पलीफायर पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं. दैट विल बी देयर discuss in the later on. And the biasing of the transistor in class B operation is in such a way that zero signal condition there will be no collector current. The operating point is selected to be at the collector cutoff voltage, so when the signal is applied only the positive half cycle is amplified at the output. The operating point hai wo kahan pe hai? Cutoff region. At this point, operating point यहाँ पे जिसकी वजह से हमारा सिर्फ एक ही जो है वो सिग्नल आ रहा है, एक ही हाफ आ रहा है पॉजिटिव हाफ. For the negative half, then we get the negative half amplified, but no positive half at that time. The efficiency of class B amplifier is improved a lot over class A amplifiers. जो collector efficiency है वो class B की काफी ज्यादा है, improve हो गई class A से better है because of two transistor design. उसमें एक transistor था, इसमें दो transistor लगे हुए हैं. They can reach a theoretical efficiency about 75%. अगर हम बात करें class A amplifier में उसमें कितने था 25% और 50% अगर उसमें ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें कितना है जो एफिशिएंसी है वो 75% है, सो उससे काफी ज्यादा है. द पावर एम्पलीफायर ऑफ दिस क्लास आर यूज्ड इन बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस लाइक एफएम रेडियोस एंड ट्रांजिस्टर रेडियोस. हम इस पावर एम्पलीफायर का यूज कहाँ पे करते हैं? एफएम रेडियोस में और ट्रांजिस्टर रेडियोस में. Because of superposition of two halves of the waveform, there exists a small distortion at the crossover region. Because of separation of two halves, क्योंकि दोनों में जो एक एक half है वो कम हो रहा है, इसकी वजह से इसमें distortion जो है वो रहती है और crossover region बनता है. Crossover region. Thank you. If you have any query, then we will discuss. Thank you, students. Thank you.